नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल कोर्ट परिसर में अधिवक्ता व उसके पक्षकार पर प्राण घातक हमला। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल। जिला न्यायालय बैतूल में शेर नंबर 19 में अधिवक्ता नरेश मांडेकर अपने पक्षकार कुशांत गोस्वामी के साथ बैठे थे कि अचानक दिनेश गोस्वामी अभिषेक गोस्वामी निवासी खेली सावलीगढ़ आए और नरेश मांडेकर और उनके पक्षकार के साथ गाली गलौज करने लगे तथा चाकू से नरेश मांडेकर और उनके पक्षकार के ऊपर प्राण घातक हमला करने का प्रयास किया। तभी वहां पर अधिवक्ता साथी शिव कापसे और संजय कुरवाड़े द्वारा बीच बचाव किया। उक्त घटना की शिकायत अधिवक्ता नरेश मांडेकर द्वारा जिला सत्र न्यायाधीश महोदय जिला अधिवक्ता संघ बैतूल सहित पुलिस अधीक्षक बैतूल को करते हुए उक्त घटना कार्य करने वाले व्यक्तियों के ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने की अपील की है। उक्त घटना से जिला न्यायालय बैतूल के अधिवक्ताओं में काफी रोष व्याप्त है। जिला आदिवासी संघ के अध्यक्ष संजय मिश्रा ने उक्त घटना की कठोर निंदा करते हुए कहा कि अधिवक्ता गण जिला न्यायालय में पैरवी करने आते हैं, परंतु यहां पर उनकी सुरक्षा हेतु पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की निंदनीय घटनाएं अक्सर जिला न्यायालय में घटित होती रहती है। उन्होंने मांग की है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा हेतु जिला न्यायालय में पर्याप्त पुलिस बल की नियुक्ति की जावे। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। भाइयों नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट नरेश मांडेकर। मैं बैतूल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, सेट नंबर 19 में। आज मेरे साथ में एक कोर्ट परिसर में घटना कारित हुई। एक प्रतिवादी के द्वारा मेरे पक्षकार और मुझ पर प्राणघातक हमला किया गया। चाकू से उसने मेरे ऊपर वार किया और हेलमेट से भी सर पर वार करने का प्रयास किया। अन्य अधिवक्ताओं साथी के बीच बचाव के कारण मेरी आज जान जाते जाते बच गई। उसने मेरी गर्दन के पास से एकदम चाकू घुमाया, मैंने उसका हाथ पकड़ के मोड़ा और वो चाकू छुड़ाया और फिर दोनों पिता पुत्र वहाँ से भाग खड़े हुए। क्योंकि आज हमारे बैतूल बार में आम सभा आयोजित थी, समय 4 बजे, कोर्ट परिसर सुना देख के उसने मुझ पर हमला किया और मौके का फायदा उठाया और दोनों वहाँ से भाग खड़े हुए। एडवोकेट पर सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोर्ट परिसर में कोई भी हथियार लेके घुस जा रहा है और वकीलों पर हमला कर रहा है जैसे मेरे ऊपर हुआ है। तो मैं चाहूँगा कल इस विरोध में बैतूल बार अध्यक्ष के नेतृत्व में हम इस विषय पर आवाज़ उठाएं और पुलिस अधीक्षक को कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित करें। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि जो मेरे साथ हुआ है वो तो अच्छा हो गया, हमने बचाव कर लिया, नहीं तो ये घटना हो जाती। मैं चाहता हूं कि आप सभी इसमें आगे आएं और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए भी मांग करें कि जिससे कोई घटना के बाद में अगर कोई स्थिति बनती है तो उसका क्या औचित्य रहेगा। घटना के पहले अगर हमारे भाइयों को अगर सहयोग प्राप्त हो और सुरक्षा प्रदान हो और कोर्ट परिसर में ऐसा कोई भी व्यक्ति हथियार